कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल होम किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो रमज़ान प्रिपरेशन की है। हम लोग रमज़ान में वैसे ही इतने मसरूफ़ होते हैं तो अच्छा है कि पहले से हम लोग कुछ तैयारी करके रख लें। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल चिकन समोसा और बनाने वाले हैं मैक्रोनी चिकन रोल। दोनों एक साथ बताऊँगी रेसिपी और पहले हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या चाहिए। ये सब मैंने साथ एक साथ काट लिया है। उसके लिए हमने गाजर लिए हैं, शिमला ली है, चिकन ली है जिसको मैं हमने बॉईल कर लिया है और उसको ऐसे रेशा कर लिया है, हरी प्याज है, थोड़ी सी बंद गोभी है, मैक्रोनी है और थोड़ी सी ग्रीन चिली है और चॉप लहसुन है। और सॉसेस में हम इसमें डालेंगे केचप, हमने लिया है बेक पार्लर का सोया सॉस और बेक पार्लर का ही हमारे पास चिली सॉस है। ड्राई मसालों में इसमें जाएगा काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, नमक, थोड़ा सा ओरिगानो है और थोड़ा सा चिकन पाउडर है। तो चलें पहले हम बनाएंगे मैक्रोनी चिकन रोल। तो पहले हम उसकी स्टफिंग रेडी करेंगे, उसके बाद हम अपने समोसों की तरफ आएंगे। तो चलें बनाते हैं। चलिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं और फ्लेम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन हो चुका है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डाल लिया है, ये थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोग और क्या क्या रमज़ान के हवाले से चाहते हैं कि हम बनाएं, हम अपने तरीके से बना के आप लोगों को दिखाएं, वो भी हमें ज़रूर बताइए। आप लोग हमें हमारे इंस्टा और हमारे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें ऑयल गर्म हो गया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा जो चॉप लहसुन है वो ऐड करेंगे। बहुत ही जल्दी से इसकी स्टफिंग रेडी हो जाती है, हम जल्दी से बनाएंगे मज़ेदार सी और आपको फिर बताएंगे इसकी बाइंडिंग करके। लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो कि हैं गाजर, मज़ेदार सी इसमें से स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी से खुशबू आ रही है। साथ ही हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, साथ ही ऐड कर देंगे चिकन, बहुत कलरफुल थी इसकी स्टफिंग रेडी हो रही है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, डाला है 1 स्पून काली मिर्चें, 1 स्पून हम डालेंगे इसमें सफ़ेद मिर्चें, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ओरिगानो हम सारा ले लेंगे, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, ओरिगानो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं भी डाल सकते। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस जो कि है सोया सॉस एंड चिली सॉस। ये हमने यूज़ किया है बेक पार्लर का, आपके पास जो भी ब्रांड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 बड़े चमचे लिए हैं,
सॉस डलते ही बहुत अच्छी खुशबू आई है इसमें। शुमाइला आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगी, कुछ बताइए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर चैनल होम किचन। मैं इस बारे में क्या बताऊं, क्योंकि मुझे ये बहुत टेस्टी लगते हैं और इफ्तार के टाइम तो बस बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसलिए तकरीबन हर साल ही हम लोग ये बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। हमारे घर में मोस्ट फेवरेट है ये समोसा और रोल। आप लोग भी बनाइएगा, फिर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कितना सच कह रही हूँ। ठीक है, अब हम इसमें जल्दी से ऐड कर लेंगे मैक्रोनी। पहले हम इसमें थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर लेते हैं। ये बस हम 1 स्पून लेंगे। मैंने बड़ा चम्मच लिया है क्योंकि मैक्रोनी थोड़ी ज़्यादा है। हमने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी है, देखें कितनी अच्छी से लग रही है। और ये बस बिल्कुल डन है, ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये रोल और हम बना के फ्रीज कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे, थोड़ी सी स्पाइसी भी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो हमारे मसाले हैं वो सब ऐड हो जाएं मैक्रोनी के अंदर। थोड़ी सी ग्रीन चिली और बस हम थोड़ा सा इसमें हरा प्याज ऐड करेंगे और बस जल्दी से इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। ज़्यादा ओवर कुक हमने अपनी वेजिटेबल्स को नहीं करना है और मैक्रोनी भी बॉयल है तो ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं और आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है ये और मज़ेदार भी है। चलें, बस ये डन है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर हम आपको रोल में इसकी स्टफिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम रोल बनाएंगे, उसके अंदर ये स्टफ़ करेंगे और आपको रोल बनाकर दिखाएंगे। हमने इस साइज़ की रोल की पट्टी ली है, आप इससे छोटी भी ले सकते हैं या इससे बड़ी भी ले सकते हैं। और वैसे 2-3 तरीके की आती हैं, हमने ये चौकोर वाली ली है, आप चाहें तो त्रिकोण वाली भी ले सकते हैं जो आपको बनाने में आसान लगे। चलें अब हम रोल बनाते हैं। के अंदर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरिएगा और ज़्यादा कम भी ना हो, नॉर्मल रखिएगा। जल्दी से बन जाते हैं, अगर आपने सारी तैयारी पहले से करी भी हो तो आप लोगों को रमज़ान में टेंशन भी नहीं होती कि हमें ये चीज़ें बनानी है। ये देखें, अच्छे से इसको थोड़ा टाइटली कवर करिएगा ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। शुमाइला हमारी हेल्प कर रही हैं। बस हो चुका है ये रेडी। अब हमने आटा थोड़ा सा घोल के रखा था इसको बाइंड करने के लिए, उसको इस तरीके से लगा दिएगा ताकि ये अच्छा सा बाइंड हो जाए और खुले ना जब हम फ्राई करें, इसके अंदर ऑयल ना जाए और ये खुले ना। ये देखें कितना अच्छा सा हमने इसको बना लिया है। अच्छा
अच्छे से बन गए हैं ये, अब दूसरा बनाते हैं। बहुत ही इजी हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं वो आप हमें बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बरवक्त मौसूल हो। ये देखें, टाइटली आपने इसको बाइंड करना है, इसमें कोई एयर ना हो। एयर होती है तो जब हम फ्राई करते हैं उसमें ऑयल चला जाता है अंदर, जिससे वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, ऐसे ही हम सारे बना लेंगे, फिर हम आपको बॉक्स में रखकर दिखाएंगे कि हम कैसे फ्रीज करते हैं इसको। ये देखें, हमने कर लिए हैं, अब हम इसको बॉक्स में रखा देंगे। सारे इसी तरीके से अच्छे से इसको बंद कर देंगे और इसको फ्रीज़र कर देंगे। अब ये हमारे रोल बन गए हैं। अब आते हैं समोसों की तैयारी की तरफ, जो हैं वेजिटेबल चिकन समोसे। उसकी स्टफिंग रेडी करेंगे, फिर वो बना के फ्रीज करेंगे। अब हम समोसों की स्टफिंग रेडी करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। पैन हमने वॉश नहीं किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तो तलेंगी। ऑयल डालते हैं हाफ कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप लहसुन, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से हो जाए। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सारी वेजिटेबल्स हम ऐड कर देंगे इसमें, गाजर और शिमला पहले ऐड करेंगे। ये हमने गाजर और शिमला मिर्च इसमें ऐड कर लिए। अच्छा, हमने ग्रीन चिली भी साथ ही ऐड कर लिए इसमें। एक दो मिनट बस इसको कुक करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और सॉसेस। बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, कितना कलरफुल लग रहा है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन ताकि इसमें सारा हम जो स्पाइसेस डालें तो उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे वाइट पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर। ये देखें, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 स्पून। 2 स्पून ऐड करेंगे हम इसमें ब्लैक पार्लर के सॉस का, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हम लोग यही यूज़ करते हैं। चिली सॉस डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही केचप भी ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी सॉस की खुशबू आ रही है। केचप ऐड कर देंगे, हमने 1 बड़ा चम्मच लिया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसमें हरा प्याज डालेंगे और बस इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे।
देखिए हमने इसमें बंद गोभी और हरा प्याज दोनों ऐड कर लिया है अच्छा सा। ये देखें ये हमारी स्टफिंग ड्राई हो चुकी है। अब हम समोसा रैप करेंगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सही, ये हमने समोसे की पट्टी ली है, इसको निकालते हैं ऐसे और ऐसे रैप करते हैं, ऐसे कोन बना लेंगे। इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स की जो स्टफिंग है वो डालेंगे। बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं ये, काफ़ी टाइम सेविंग है, क्योंकि टाइम को हमें सेव करना है। अच्छे से इसको टाइटली रैप करिएगा। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक दो मिनट के लिए ही हमने हरा प्याज और इसको डाल के पकाया है, गोभी को डालकर हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे, फिर समोसों में स्टफ करके आपको दिखाएंगे। अच्छे से आपने कॉर्न को बिल्कुल इसके जो होल्स हैं उनको कवर करना है। इसमें स्टफिंग ऐड करनी है, इसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे और फिर इनको भी बॉक्स में डाल के फ्रीज कर लेंगे। आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें होम किचन को, और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो पर वक्त मौसूल हो। कल फिर मिलते हैं एक और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।